नमस्कार दोस्तों, आशा आयुर्वेदा के YouTube चैनल पर मैं डॉक्टर चंचल आपका स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ हैं शिवानी। आइए शिवानी की आशा आयुर्वेदा में जर्नी के बारे में जानते हैं। शिवानी, आशा आयुर्वेदा में आने से पहले आपको क्या क्या समस्याएं थी और आपने क्या क्या इलाज किया था? PCOD थी और बहुत जगह इलाज किया तो बोले नहीं होगा ऐसे। तो आपको ऐसा बोला कि PCOD है तो प्रेगनेंसी नहीं होगी? नहीं, IVF कराना पड़ेगा। और कोई समस्या? नहीं। तो यहाँ आने के बाद कैसा रहा? बहुत अच्छा है। आशा आयुर्वेदा में ट्रीटमेंट लेना और बाकी जगह ट्रीटमेंट लेने में आपको क्या फर्क महसूस हुआ? बहुत फर्क। जैसे मेरी बात को समझना और उस हिसाब से देना, हर बात को अच्छे से समझाना, एक अच्छा रिस्पांस था। बहुत बार लोगों को हमने ऐसा देखा है कि PCOD है तो ऐसा बोलते हैं कि PCOD है, नेचुरली कंसीव नहीं होगा। आज भी मॉर्निंग में मेरे पास एक पेशेंट आई थी जिसने मुझे ऐसा बोला कि मैम, हम फॉलिकल कराने गए थे और डॉक्टर ने हमें ऐसा बोला, छत्तीसगढ़ की पेशेंट है वो, डॉक्टर ने बोला कि आप पहले सर्जरी कराओ, ऑपरेशन होगा तो PCOD ठीक होगा, उसके बाद प्रेगनेंसी होगी। जैसे इनको बोला गया था कि PCOD है तो IVF कराना पड़ेगा, ऐसे मेरे पास उत्तराखंड से एक पेशेंट भी आई थी जिनको सिर्फ PCOD की वजह से 22 साल की उम्र में 2 बार IVF कराने के लिए बोल दिया गया और तीसरी बार के IVF के लिए बोला गया कि PCOD की वजह से अंडे खराब हो गए और इसलिए IVF नहीं होगा। लेकिन ऐसे सभी पेशेंट नेचुरली कंसीव कर सकते हैं। PCOD के साथ साथ आप एग क्वालिटी को एनहेंस करके नेचुरली प्लान कर सकते हैं और PCOD का ट्रीटमेंट भी साथ साथ जारी रख सकते हैं। तो PCOD जैसे समस्या है तो ऐसा बिल्कुल ना सोचें कि आप माँ नहीं बन सकती हैं, नेचुरली आपको प्रेगनेंसी नहीं होगी। बेसिकली PCOD में अंडे की क्वालिटी खराब होती है, एक प्रॉब्लम वो आती है, और दूसरा PCOD में एग्जॉबुलेट नहीं करते, यानी अंडे ग्रो नहीं करते। दोनों ही कंडीशंस में आयुर्वेद बहुत अच्छे से काम करता है। पंचकर्म के माध्यम से, आयुर्वेदिक मेडिसिन के माध्यम से आप PCOD को पूरी तरह से कवर करके, कंट्रोल करके प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हैं। और हमेशा ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि पहले PCOD को जड़ से ठीक करना है, उसके बाद ही प्रेगनेंसी की दवाई देनी है। आप PCOD को कंट्रोल करके साथ साथ भी प्रेगनेंसी की मेडिसिन चला सकते हैं, जैसा कि हम बहुत बार पेशेंट्स में करते हैं, जैसा हमने इनके केस में भी किया था, और उसी के रिजल्टेंट हमें प्रेगनेंसी बहुत जल्दी अचीव हो जाती है। तो अगर PCOD की समस्या है, एंडोमेट्रियोसिस की समस्या है, या ऐसे इनफर्टिलिटी की कोई भी समस्या है, डायरेक्टली सर्जरी या IVF की तरफ जाने से पहले एक बार आशा आयुर्वेदा में संपर्क करें। यकीन माने आप निराश नहीं होंगे और ऐसे प्यारे प्यारे आराध्या आपको भी जरूर मिलेंगी, है ना आराध्या? धन्यवाद।